अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि बड़ा गांव जाने वाले रास्ते के बीच में किस तरीके से एक बुलेट और मोटरसाइकिल और एक डंपर के बीच में टकराव बताई जा रही है कि तीनों में आपस में टक्कर होती है। किस तरीके से वो टक्कर होती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन बुलेट की आप हालत देख सकते हैं क्योंकि जो बताया जा रहा है जो बुलेट चालक था वो तेज रफ्तार में बुलेट चला रहा था और किस तरीके से सुबह के समय पर ये हादसा हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं, कौन कौन वो चोटिल हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। बुलेट का नंबर हम आपको दिखा रहे हैं 405AD5443। आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की ये बुलेट है और किस तरीके से बुलेट के पिछले हिस्से पर ना तो कोई नंबर है ना कुछ है और ये बुलेट जो चला रहा था वो काफ़ी ओवर स्पीड में चला रहा था और एक बाइक वहाँ पर बताई जा रही है सड़क पार, आप देख सकते हैं वहां पर एक बाइक खड़ी हुई थी जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी थी और किस तरीके से इस तरफ से सामने की तरफ से बताया जा रहा है यानी कि बड़े गांव आने वाले रास्ते की तरफ से बताया जा रहा है कि डंपर आ रहा था और किस तरीके से ये बुलेट वाला डंपर में ही टक्कर मार देता है, किस तरीके से पूरा हादसा होता है। एक बार जो आसपास वाले लोग हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार। क्या हुआ यहाँ? मैम ये एक्सीडेंट हुआ था एक लड़के का और हमारे मैम मुगल माजरे से मेरा भतीजा लगता है वो भी यहाँ पे मतलब था, उसने बाइक वहाँ पे खड़ी कर रखी थी। आपके भतीजे ने वहाँ बाइक? हाँ जी, मेरे भतीजे ने वहाँ पे बाइक खड़ी कर रखी थी और पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे आया, इतने से पीछे बुलेट मोटरसाइकिल वाला। पेट्रोल किस में डलवाना था जब बाइक वहाँ खड़ी कर? मैम दूसरी मोटरसाइकिल, मैम दूसरी ट्रैफिक चल रही थी, बाइक उसने वहाँ पे लगा दी तो उसने वैसे लेने के लिए बोतल के अंदर लेने के लिए आया हुआ तो पीछे से बुलेट वाला आया, ओवर स्पीड में था, आगे से डंपर वाला आ गया। अब बुलेट वाले ने ब्रेक लगाने लगाई, उससे रुकी नहीं गई, मतलब ओवर स्पीड में उससे रुकी नहीं गई और वो डंपर वाले के साथ में ऐसे घुमाई उसने बुलेट वाले ने और डंपर लगा के चला गया, डंपर वाले ने टक्कर मारी और चला गया वो डंपर वाले ने टक्कर। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद फिर इनके पेरेंट्स वगैरह भी आ गए और उन्होंने हमारे भतीजे को पकड़ लिया बिना मतलब लड़कों ने, और ये लड़का था मौके पे और ये भतीजा था, इसने उन लड़के को उठाया मौके पे और उठा के एक साइड में बिठाया और चोट किसको लगी है? बुलेट वाले को? हाँ, बुलेट वाले को लगी है चोट। आपका जो भतीजा वो ठीक है? वो ठीक ठाक है बिल्कुल। आपका क्या नाम है? आप ही हो? हाँ जी, मैं आगे था जी, मेरा भतीजा था जी, वो मेरा भाई था जी, वो हम यहाँ पे खड़े थे जी तेल डलवाने के लिए जी, इधर मुड़ना था तेल खत्म हो गया जी बिल्कुल जी, पैदल चल रहे थे जी, हम साइड में लगा दी ट्रैफिक। बता दो जहाँ आपकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है कि किस तरीके से ये हादसा होता है और बुलेट वाले को काफी गंभीर चोटें जो बताई जा रही, यही बाइक है? मैं बाइक चली गई जी, हम यहाँ पे खड़े होते जी, यहाँ पे बोतल लेकर आप अंदर? नहीं, नहीं, बोतल नहीं जी, वैसे पैदल खींच के जाते थे, ट्रैफिक चल रही थी जी, हम ऐसे जाने लगे ट्रैफिक रुकेगी फिर जाएंगे, हम यहाँ खड़े थे, एक बाइक वाला आया जी यहाँ, उसने रोक दी, क्या पता उसने तेल डलवाना था क्या था, बुलेट वाला आया जी इधर से, आगे से डंपर आ गया उसमें लगी, हम तो डंपर में लगी बाइक, डंपर में लगी जिसकी बुलेट है जो, उसमें थोड़ी फ्रैक्चर चोट आई पता नहीं क्या आया, उसको हमने उठा के गाड़ी में डाला जी, उसको हमने उठा के जी गाड़ी में डाला, ये मेरा भाई और मैं गाड़ी में बैठा के जी उसको गए, हमारे को बैठाया जी, उन्होंने दो लड़के थे उसके साथ, उसके साथ बैठ गए, हम बैठ रहे थे जी बाकी हम जाते हैं तो उन्होंने बैठाया जी हमारे को। गलती कोई नहीं, हम तो साइड में, आप लोगों की कोई गलती नहीं, आप ये कहना? गलती नहीं है जी, कोई भी गलती नहीं है। आपका क्या नाम है? जतिंदर। आप चला रहे थे बाइक? नहीं मैम, मैं तो यहाँ पर खड़ा था जी पेट्रोल डालने के, दो क्रॉसिंग। आपने क्या देखा, कैसे हादसा हुआ था जी? हम यहाँ पर खड़े थे और पीछे से बाइक आई, उसने रोक दी और पीछे बुलेट ज्यादा ओवर लोड थी जी, स्पीड में सबसे पहले टक्कर किससे लगती है? उस डंपर से लगती है जी, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो साइड में थे जी, तो मतलब आपका कहने का मतलब है आपका कोई लेना देना नहीं है सिर्फ डंपर और बुलेट वाले का? कोई लेना देना नहीं है, अब उसकी लड़के की बाइक यहाँ पे खड़ी है, अब बाइक वाला एक दूसरा बाइक वाला यहाँ पे आके खड़ी करेगा, मैम यहाँ पे बाइक खड़ी करेगा और दूसरा आगे पीछे से ओवर स्पीड में बुलेट आ रही है, बुलेट वाला से आगे आगे डंपर आ गया तो बुलेट वाला क्या करेगा ओवर स्पीड में जब आ रहा है उसे? डंपर कहाँ है वो वाला? डंपर वो निकल गया, चोट मार के भाग गया वो, तो इस तरफ से ही आ रहा था, इस तरफ से सामने बड़ा गांव की तरफ गया, बड़ा गांव की तरफ निकल गया। कोई नंबर वगैरह देखा? नंबर वगैरह नहीं देखा, इन्होंने लड़के को जैसे चोट लगी ना ये तो लड़का उठाने में लग गए, उसके बाद वो डंपर वाला भाग गया। लड़का कहाँ का है, कौन है, कोई जानकारी? लड़का ये सुना है वो दरड़ गाँव का है, दरड़ गाँव का जी। तो कहाँ लेकर गए उसको? अब उसको करनाल हॉस्पिटल में लेके गए। आपने पुलिस वगैरह को? पुलिस वगैरह भी आई थी, इन्फॉर्मेशन लेके थे, इनकी बाइक लड़के की बाइक लेके चले गए।
पुलिस पीएस कुंजपुरा से आई है। अच्छा। 112 नंबर पे फोन किया था उन्होंने सरदार जी ने, तो पुलिस आ गई, फिर उन्होंने 112 वाले ने कुंजपुरा थाने वाले को फोन करा, वो लेके गई है। अब इस जब लड़के का कोई कसूर नहीं है तो इसका क्यों लेके गए हैं? इनकी भी स्टेटमेंट लेके गए हैं। हाँ, इनकी भी स्टेटमेंट लेके गए, इनके नहीं लिए ना, इनके कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब इनकी सिर्फ बाइक बाइक लेके चले गए हैं। किनकी बाइक ले गए हैं? आपके बाइक ले गए, आपके बाइक पे ये नहीं है? ये नहीं है जी, वो ले गए। आपके बाइक में भी कोई टक्कर टुक्कर लगी है? नहीं, कुछ नहीं है जी, हम तो साइड में ही खड़े थे जी, कुछ नहीं है। तो एक्सीडेंट वहाँ हुआ जी, मेरी बाइक इधर खड़ी है। आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों को ये लगता है आपकी बाइक खड़ी थी, इस वजह से हादसा? हाँ जी, हाँ जी, ये सबक है जी, ये सबक है। कल को कोई हादसा होगा तो कोई उठाएगा नहीं किसी को। जैसे लड़के को चोट लगी, बुलेट के नीचे आ गया, तो उसका पैर फंसा हुआ था, इन बच्चों ने उसको उठाने की कोशिश की, उसको उठा के फर्स्ट एड दिलाने के लिए गाड़ी में डाला, और ये कह रहे हम जाएंगे साथ में उनके परिवार के आगे से, जबकि जब साथ साथ उनको वो ले गए। आपका क्या नाम है? मेरा कुलदीप जी। आप मौके पर थे यहाँ पर? मैं मौके पर नहीं था, चश्मदीप बता रहे हैं जी। उन्होंने उनको उसको उठाया लड़के को और गाड़ी में डाला जी। चोट ज्यादा लगी है लड़के को? टांग पे लगी है जी, टांग। आइडेंटिटी वगैरह है उसकी लड़के की? क्योंकि सिर्फ यही बता रहे कि दरड़ गांव से लग रहा है वो। हाँ, ये उनके परिवार के आगे थे, फैमिली मेंबर आगे थे। क्या है लड़के की जो बुलेट चला रहा था? कितनी उम्र हो गई? 25-26 साल उम्र बताई। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? ये फर्स्ट एड के लिए विरक में गए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करनाल एक निजी अस्पताल में उसको लेकर जाया गया, जो जानकारी इनको मिली है, जो मौके पर लोग हैं उन्होंने बताया। और फिलहाल लड़के की कोई आइडेंटिटी इनको नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि लड़का दरड़ गांव का हो सकता है, जो वो बुलेट चला रहा था। बुलेट का हालांकि हमने आपको नंबर भी दिखाया, और किस तरीके से सड़क हादसा होता है, डंपर मैं आपको बताना चाहूंगी, सामने से आ रहा था। इन लोगों की बाइक यहां पर खड़ी थी, जहां पर हमने ये बाइक दिखाई, एक और व्यक्ति यहां पर बाइक रोक देता है, और उसके बाद जो बुलेट वाला है, बुलेट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बुलेट वाला ओवर स्पीड में बताया जा रहा है कि आ रहा है। हालांकि इस बात की अभी फिलहाल हम कोई पुष्टि नहीं करते। जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने ये बात बताई है कि जो बुलेट वाला तेज रफ्तार में आ रहा था, और ये आप देख सकते हैं, ये रोड सीधा नहीं है, ये जो बड़े गांव जाने वाला रोड है ये सीधा नहीं है, यहाँ पर बेंड आ जाता है, यानी कि ये रोड किस तरीके से यहाँ पर मुड़ रहा है। अगर पीछे से कोई आपको मैं दिखाना चाहूंगी, कोई सामने से आ रहा है तो उसको इस तरफ अगर कोई गाड़ी खड़ी भी है, कोई बाइक खड़ी भी है, कोई डंपर आ भी रहा है, तो शायद वो नजर नहीं आएगा, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये रोड आप देख सकते हैं किस तरीके से बेंड होता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है बुलेट वाला जो है तेज रफ्तार से आ रहा हो और डंपर आगे से आ रहा हो, और उससे ओवर स्पीड की वजह से बुलेट की जो ब्रेक है वो कंट्रोल नहीं हो पाई, जिस वजह से डंपर में उसकी टक्कर लग जाती है, और बुलेट वाले को जो बताया जा रहा है कि दरड़ गांव का लग रहा है, उसको काफी गंभीर चोटें आई, और विर्क अस्पताल बताया जा रहा है, एक निजी अस्पताल में उसको लेकर गए हैं। हालांकि फिलहाल क्योंकि पुलिस टीम में से कोई भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, कोई कर्मचारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है, जिससे हम सवाल जवाब कर सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन जो चश्मदीद गवाह है उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक डंपर सामने से आ रहा था और एक बुलेट वाला किस तरीके से तेज रफ्तार से बुलेट चला रहा था। हालांकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि जो बुलेट वाले होते हैं काफ़ी तेज़ रफ्तार से बुलेट चला रहे होते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बड़ा गाँव जाने वाली रोड पर तेज रफ्तार से एक व्यक्ति बताया जा रहा है, एक युवक बताया जा रहा है जो बुलेट चला रहा था। बुलेट का नंबर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, HR05AD5443। हालांकि इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी उस व्यक्ति की नहीं है, दरड़ गांव का वो व्यक्ति बताया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।